गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी सीनू उठ गई है और सीनू जाएगी घूमने के लिए अभी थोड़ी देर में। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कल से एक वीडियो अपलोड पे लगी है, मतलब 24 घंटा से ज़्यादा हो गया अभी तक अपलोड नहीं हुई। इतना मतलब नेट इधर जियो का बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत दिक्कत हो रही है। वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं और अपलोड भी नहीं हो रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, एक वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बीके और आप देख रहे हैं बीके हरवा। तो आज हम अपना आपको घर दिखाते हैं अंदर से। इधर देखो, मम्मी किचन में पोछा लगा रही हैं। बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं, पहले बाद में दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारी किचन है। ये अंदर से तो ये किचन है, अभी मम्मी तो पोछा लगा रही हैं। और एक ये रूम है, एक ये रूम है। थोड़ी सी लाइट जला देता हूँ। तो ये हमारा एक कमरा है, ये देखो। अभी सब लोग नीचे सो रहे थे, सर्दी का मौसम है तो नीचे ठंडी नहीं लगती है। ये हमारा एक रूम है, इसमें मम्मी पापा विनीता माँ सब लोग सोते हैं। और ये मकान पूरा खाली पड़ा है, इसमें अभी हम लोग चले जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा मतलब। और इधर लाइट का सिस्टम भी लगा हुआ है पूरा। तो अभी इसमें कुछ नहीं रहा, अभी गाड़ी में सामान भर के हम लोग चले जाएंगे। और इस साइड है दूसरा कमरा, इधर आप हम लोग सोते हैं। इसमें ये सीनू के लिए झूला डाल दिया था, ये रोता है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ लेके आए नहीं थे, तो सीनू इसमें सोता है। और इधर भी मतलब कुछ भी नहीं है, ये भी खाली पड़ा रहता है। एक लॉकर रखा हुआ है, वो भी खाली है, उसमें भी कुछ नहीं है। और वो भी चला जाएगा गाड़ी में भर के। और इधर अभी आरती भैया को सीनू को दूध पिला रही है। तो ये दो कमरे हैं। और आपको बता देता हूँ, ये अंदर है जीना के नीचे, ये रखा हुआ है, ये कूलर रखा हुआ है, ये नया लिया था। और ये पानी पीने के लिए रखा है। ये चूल्हा है मिट्टी का, ये देख सकते हैं आप, इस पर भी रोटी बनती थी। और ये मिट्टी के तवे हैं, मतलब मिट्टी के जो चूल्हे हैं और मिट्टी के तवे हैं, इन पर रोटी बनती है। और इस साइड में भी ये कुछ खाली मटके पड़ी हैं छोटी छोटी, और ये गेहूँ रखा है। और इधर से मम्मी छत से आई हैं, और अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा छत है। ये यहाँ से एक जीना लगा हुआ है, ये देखो। अभी छत पे भी दिखा देते हैं आपको, ऊपर से दिखाता हूँ आपको घर बैक कैमरे से। ये देखो, ऊपर से ऐसे दिखता है। वो सामने बाथरूम है, वो तौलिया टंगी हुई है, इधर से बाहर के लिए जाते हैं। वो हमारा पुराना वाला मकान है। और उस साइड वो सामने वाला ही अपना मकान है, वो तोड़ना पड़ेगा। और ये देखो ऊपर से, और ये छत है, ये पूरा छत है। छत भी बढ़िया है। और इस साइड अपने देखोगे तो उस साइड में खेत हैं, अपने नहीं हैं लेकिन। और ये अपना डीके भाई का घर है। और इधर भी अपना पूरा परिवार वालों का घर है। अब देख, वो पुष्पेंद्र का घर है, वो अस्सू चाचा का है, और वो एक नीव है, वो डीके भाई का है। बढ़िया लगता है गांव में ऐसे सुबह सुबह, मज़ा आता है देखने में। तो अभी पानी आ गया है बढ़िया गर्मा गर्म, और इसको भर लेते हैं बैरल को, फिर नहाना भी है। तो पानी आ गया है, और ये पानी बता दें, यहाँ धनी राम चाचा के यहाँ पे आता है और उनकी बोरिंग से पानी लेते हैं। थोड़ा सा दो चार दिन के लिए हम आते हैं तो यूज़ करने के लिए ले लेते हैं, अभी परमानेंट हम लोग नहीं रहते हैं। कभी कभी आए, अभी तो मैं 4 साल बाद आया था। और ठीक है, तो यही अपना घर है छोटा सा, यही बनाया था। और बाकी तो कुछ नहीं है, खाली पड़ा रहता है। ये देखो लोहे के पंखे, तो ये भी काफ़ी दिन पुराने हो गए, सड़ चुके हैं मतलब, ख़राब हो चुके हैं और कोई रहता नहीं। और ये बाथरूम है बनी हुई है, लैट्रिन जिसको बोलते हैं, टॉयलेट। और ये भी बढ़िया बनी है, घर में कोई दिक्कत नहीं है। और अपना घर बस यही है छोटा सा घर, ये तो गांव का घर है। और एक पुराना घर है वो सामने वाला, आपको दिख रहा होगा बाहर, अभी हम उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं बताते हैं।